आप 16 तारीख को हमें एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि जो नगरा का रहने वाला प्रमोद गुप्ता, वो रात्रि को बीसी और सोसाइटी का जो संचालन करता है करोड़ों रुपए लेके फरार हो गया है। तो इसमें हमें रेखा पिंगोलिया नाम की जो पार्षद हैं उन्होंने रिपोर्ट दी थी, इस पर हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। तो अनुसंधान से हमें पता चला कि करीब 2500 लोगों से उसने बीसी और सोसाइटी चला रखी थी और करीब 7 से 8 करोड़ रुपए उसने लोग बागों से ले रखे थे, और इसी वजह से उसने प्रेशर में आके उसके पास पैसा नहीं बना और परिवार के सहित वो फरार हो गया। इसकी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मैं आदेश दिए कि तीव्र गति से इसका तलाश की जाए, तो हमने तलाश करके आज उसको बस स्टैंड अजमेर से गिरफ्तार किया और अनुसंधान जारी है। सर पूरा परिवार? अभी सिर्फ प्रमोद गुप्ता ही गिरफ्तार हुआ है और उससे अनुसंधान जारी है। इससे ही आगे पता चलेगा कि परिवार का क्या रोल है और उसने जो पैसा लिया वो कहाँ गया है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, उसके बारे में। सर बैंक से भी पैसे ऐसे लिए थे? बैंक अभी अनुसंधान हुआ नहीं, बैंक और कहाँ कहाँ उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ नहीं है वो अनुसंधान नहीं। सर कहाँ से पकड़ा, किस तरीके से पकड़ा गया? हमें सूचना मिली कि वो बस स्टैंड की तरफ उसको देखा गया है, तो हमारी टीम को हमने भेजा और बस स्टैंड अजमेर से उसको दस्तयाब किया, फिर उससे पूछताछ की और फिर गिरफ्तार किया।